नमस्कार खमागणी राम राम साहब, मैं महावीर सिंह राजपुरोहित हमेशा की तरह नए वीडियो के साथ आप लोगों के लेकर आयो नई प्रॉपर्टी। पाल रोड पे स्पाइसी किचन के बैक साइड में आदिनाथ नगर है, वहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 22x37 का डुप्लेक्स विला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा जोधपुरी रॉक बेस से काफी अच्छा मकान बना हुआ है। ये विला आपको पूरा सेमी फर्निश मिलेगा। चलिए आज हम देखते हैं 22x37 का सेमी फर्निश विला। चलिए आप ये बाहर देख सकते हैं, काफी अच्छा पूरा आयरन का पूरा अपने मेन गेट बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं मेरे नीचे, ये पूरा आपके यहाँ पे रैंप रहेगा गाड़ी चलाने के लिए। ये जो विला है 22x37 का, ये आपको सेमी फर्निश रहेगा। और मैं जो बता रहा था आपको गेट, ये गेट देखिए काफी अच्छा इसका गेट है, जो इसका एंट्रेंस गेट है। चलिए आपको दिखाता हूँ इसका पोर्च का एरिया। ये रहेगा आराम से, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी मिनी एसयूवी मिनी गाड़ी आप आराम से यहाँ पार्क कर सकते हैं। यहाँ पे बाहर आपको वाटर टैंकर मिलेगा, जो आराम से अपना पानी का स्टोरेज कर सकते हैं। और इस विला के टोटल दो एंट्रेंस है, एक तो जो ड्राइंग रूम में और एक जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो जाता है लॉबी के अंदर। इस विला की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी अच्छी है, ये पूरी रहवासी कॉलोनी के बीच के अंदर मकान है। आस पास में आपको सारी कम्युनिटी के अच्छे अच्छे सारे आपके नेबर्स मिलेंगे, सारे सारे अच्छे अच्छे विलास है यहाँ पे जो बने हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से इस विला का पूरा टूर करवाता हूँ। ये है विला की सेकंड एंट्रेंस, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे काफी अच्छी बॉल्कनी हो रखी है, काफी अच्छा यहाँ पे विला बना हुआ है। और इस विला की जो हाइट है वो आराम से आपको यहाँ पे 11 फीट की हाइट है। ये रहेगा आपको पूरा लॉबी का एरिया, और इसके अंदर आपको जो स्टेज है वो आपको अंदर से ही दे रखी है। और काफी अच्छी यहाँ पे स्टेनलेस स्टील यूज हो रखी है, जिसके अंदर आपको ग्लास का वर्क रहेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस विला के सबसे पहले यहाँ के ड्राइंग रूम के तरफ। आप ये देख सकते हैं काफी व्यू साइज में ये ड्राइंग रूम बना हुआ है, जिसका आपको एक एंट्रेंस मिल जाएगा जो बाहर से, जो मैंने आपने सबसे पहले वीडियो में देखा होगा। और इसी के साथ में इसकी पॉलिंग देख सकते हैं, काफी अच्छी पॉलिंग हो रखी है। और उसके साथ में आपको मिलता है टीवी कैबिनेट भी आपको काफी अच्छा सुंदर बना हुआ मिलता है। और ये है इसका जो बाहर का जो एंट्रेंस है, जो यहाँ पे विंडो का भी अच्छा प्रोविजन दे रखा है, ताकि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन रहे या आप कूलर वगैरह लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। ये विला पूरा आपको सेमी फर्निश रहेगा। और यहाँ पे जो भी आप ये देख रहे हैं, जो आपको लाइट फिटिंग है, सैनिटरी फिटिंग है, वो सारी की सारी आपको ब्रांडेड रहेगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो इसका मास्टर बेडरूम है, वो ये है विला का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की काफी अच्छी साइज में काफी यूज बना हुआ है, और ये आपको अटैच लेट बाथ रहेगा। और अगर मैं इसके फर्नीचर की बात करूँ, तो आप अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो काफी अच्छे वार्डरोब बने हुए, जो काफी अच्छी ब्रांड के और काफी अच्छी इनकी फिटिंग है। क्योंकि हमेशा आपको फर्नीचर खूब सारे मिलेंगे, बट उसके लिए आपको उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी। और अगर मैं ऊपर उसकी फॉल सीलिंग बताऊँ, तो फॉल सीलिंग भी काफी अच्छी है। और इस पूरे विला के अंदर आपको एसी की फिटिंग भी कंप्लीट सारी हो रखी है। और यहाँ पर आपको लाइट भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी अच्छी फैंसी लाइट बनी हुई है। और इसी के साथ में अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ जो इसका वॉशरूम है, जो अटैच लेट बाथ है। ये आप देख सकते हैं वॉशरूम भी काफी बड़ी साइज में, मैं आराम से इसके अंदर आने के बाद भी मेरे को काफी अच्छा स्पेस मिलता है। और ये सारी की सारी जो फिटिंग्स है, ये सारी आपकी ब्रांडेड फिटिंग्स रहेगी। लॉबी के अंदर भी आपको काफी अच्छा टीवी पैनल बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे काफी अच्छी एलईडी लाइट लगी हुई है। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपके आराम से जो टीवी सेटअप बॉक्स है, ये आराम से आप लगा सकते हैं। सारी की सारी आपके वायरिंग, सारी की सारी केबल्स यहाँ पे पूरा अंदर से फिटिंग हो रखी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो लेडीज का सबसे फेवरेट पार्ट रहता है, किचन। चलिए अब हम देखते हैं किचन। किचन भी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मॉड्यूलर रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारे के सारे टैंडम बॉक्स है, सारे के सारे आपको जो भी कप सॉसर के प्लेट्स है, वो सारे आपके अंदर फिटिंग रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर आपको यहाँ पे ग्लेन की चिमनी भी मिल रही है, जो ब्रांड है। और एक बात अगर मैं आपको और बताऊँ, आपने इसके अंदर नोटिस की होगी, यहाँ पे आपको टाइल्स है, टाइल्स भी आपको पूरी हाइट तक दे रखी है, ताकि कभी भी जैसे लेडीज अगर किचन में काम करती है, जो चिकनाहट होती है वो आराम से यहाँ पे गीला कपड़ा पहना और एकदम साफ हुआ। और किचन के अंदर भी आपको फॉल सीलिंग और फैन का प्रोविजन दे रखा है, और यहाँ पे आपको गीजर भी लगा हुआ है, ये आ जाएगा आपके पानी का सिंक। और इसी के पीछे बाद में आएगा बैक एरिया भी काफी यूज साइज के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर आराम से आप स्टोरेज कर सकते हो। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में आराम से स्टोरेज है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रहेगा आपके जो सेपरेट पूरा स्टोर रूम। और इसी के बाद में यहाँ पे आपके बन जाएगा जो कूलर का प्रोविजन, अगर अपन बेडरूम के अंदर कूलर भी लगाना चाहे तो उसके लिए भी यहाँ पे आराम से बड़ा सा एक विंडो दे रखी है, वाटर टैंक भी यहीं पे और इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स भी दे रखे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, वहाँ पे आपको बड़ा सा पूरा हॉल बना हुआ है। अगर आपके कोई भी ढेर सारे अगर गेस्ट वगैरह आते हैं तो आराम से आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर स्टेज की बात करूँ, तो स्टेज भी काफी अच्छी हाइट पे है, और काफी अच्छे अच्छे स्टेज बने हुए हैं। और स्टेज में भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा पेंट हो रखा है, और जो रेलिंग है वो भी स्टेनलेस स्टील
काफी अच्छी बनेगी। काफी अच्छा और काफी बड़ा लेवल का भी आपको हॉल मिलेगा, जिसके अंदर आराम से कोई भी आपके घर के अंदर पार्टी वगैरह हो, कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन हो, तो आप आराम से अपने घर के अंदर ही कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यूज साइड में आपको यहाँ पे पूरा हॉल मिलेगा, साथ में आपको टीवी का भी है, ऊपर पूरी फॉल सीलिंग हो रखी है, और इसी के साथ में आपको अटैच लेड बार मिलेगा। आप देख सकते हैं लेड बार भी काफी अच्छी यूज साइड में बना हुआ है। आप 11 रंगों में जरूर आपको दिखाए। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।